हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप के बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको ये हुंडई 140 एक्सवेटर का रिव्यू करने वाला हूं और साथ ही आपको इसका प्राइस भी बताने वाला हूं और ये घंटे में कितने डीजल पीता है सभी कुछ आपको बताने वाला हूं। इसीलिए गाइस, वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहे। और गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दोगे और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एक्सवेटर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें, मैं आपको वीडियो के द्वारा रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इसके बूम लेंथ की बात करते हैं। तो इसका बूम लेंथ 4.6 मीटर है और इसके जो आर्म लेंथ है वो 2.1 मीटर है और इसका जो बकेट कैपेसिटी है वो 0.72 M3 का बकेट मौजूद है इसमें। साथ ही इसमें चार हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे हुए हैं जो दो बूम के लिए है, एक आर्म के लिए है और एक बकेट के लिए है। अब हम इसके ट्रैक शू की बात करते हैं। तो इसमें ट्रैक शू एक साइड में 46 लगे हुए हैं और ये जो रोलर लगा हुआ है, आप ये जो रोलर देख रहे हैं वो एक साइड में एक लगा हुआ है और ये जो नीचे वाला रोलर देख रहे हैं वो एक साइड में 7 लगे हुए और इसमें जो ट्रैक गार्ड वो एक साइड में एक लगे हुए, यानी कि दोनों साइड का मिलाकर 2 लगा हुआ है। और ये जो ट्रैक शू की चौड़ाई है वो 600 mm है और इसके जो डीजल टैंक है वो 270 लीटर का है और इसके जो हाइड्रोलिक टैंक देख रहे हैं वो 124 लीटर का है और इसका टोटल हाइड्रोलिक सिस्टम 210 लीटर का है। और ये जो गियर ऑयल देख रहे हैं वो एक साइड में 2.2 लीटर लगता है और इसके जो ट्रेवल स्पीड है वो हाई में 5.4 किलोमीटर पर आवर है। तो अभी चलिए ऊपर चल के आपको इंजन ऑयल और इंजन कूलेंट कितना लगता है वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए। तो अभी ये देखिए, नीचे ये स्विंग ऑयल है, इसमें आपको 2.5 लीटर लगता है स्विंग ऑयल ये जो है, अब ये देख रहे हैं इसमें 2.5 लीटर लगता है। और इसके स्विंग स्पीड की बात करें तो 11.7 RPM है, यानी कि एक मिनट में 11 से 12 बार पूरा स्विंग कर सकता है। और इधर आइए, और ये जो, और इसमें जो इसमें इंजन ऑयल लगता है, इसमें इंजन ऑयल आपको 10.5 लीटर लगता है। और इधर जो देख रहे हैं इंजन कूलेंट है, इसमें 15.5 लीटर लगता है और इसका जो इंजन पावर है वो 105 हॉर्स पावर है और 78 kW के साथ आता है और इसके जो टोटल RPM है वो 2200 RPM है। और ये जो इंजन है वो 4 सिलेंडर का इंजन है और ये जो इंजन है वो मैकेनिकल इंजन है। और साथ ही आपको यहाँ पे फैन बेल्ट मिल जाता है। ये जो इंजन है वो 1204E मॉडल है इसका इंजन। और ये जो आप ये देख रहे हैं वो डीजल फिल्टर है ये दोनों, ये हाइड्रोलिक पंप है। तो अभी इधर आइए, अभी इधर दिखाते हैं आपको, इधर आइए, इधर जो देख रहे हैं ये 12 वाट का 2 बैटरी लगा हुआ है, एयर फिल्टर है और ये जो है ऑटोमेटिक कटआउट सिस्टम है जिससे आपका पूरा सिस्टम कट जाता है। और आप ये जो देख रहे हैं ये अल्टरनेटर है, इसी से हमारा बैटरी चार्ज होता है। और ये जो देख रहे हैं ये कूलेंट बॉक्स है, आप यहाँ से भी कूलेंट डाल सकते हैं। अब हम इसके केबिन के बारे में जानते हैं। तो ये जो सीट देख रहे हो बहुत ही एडजस्टमेंट वाला सीट है, यानी कि आप बहुत ही आसानी से इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं या आगे पीछे भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक फैन लगा हुआ है और साथ ही आपको 2 स्पीकर देखने को मिल जाता है इधर। और ये देख सकते हैं यहाँ पे एसी का सिस्टम दिया गया हुआ है, ये वाला स्विच से आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चाबी डालने को मिल जाता है और यहाँ पे वाइपर का सिस्टम दिया गया हुआ है और साथ ही आपको ये जॉयस्टिक लीवर है, ये लीवर बहुत ही स्मूथ दिया गया हुआ है, इसे आप कितना भी टाइम काम करते हैं तो आपको थकान महसूस नहीं होगा। और ये जो देख रहे हैं वो मीटर दिया गया हुआ है और ये जो दिखाई दे रहा है ये आवर मीटर है। साथ ही आपको ये मार्चिंग लीवर देखने को मिल जाता है आपको, जिसे आप आगे पीछे चैन को करते हैं। साथ ही आप इस विंडो को खोल भी सकते हैं वायर वगैरह देखने के लिए। ये आपका हाइड्रोलिक लॉक है और ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो फ्रंट गार्ड है, जिससे आपका शीशा वगैरह डैमेज नहीं होता है। और इसके जो ऑपरेटिंग वेट है वो 13,980 kg है, यहाँ पे देख सकते हैं 13,980 kg है। तो गाइस, इसका प्राइस की बात करें तो 48 lakh है और इसका जो माइलेज है वो 1 घंटा में 7 से 8 लीटर तक पीता है। तो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो कौन से मशीन पे देखना चाहते हैं वो भी जरूर कमेंट करके बताएं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।